सो हेलो एंड वेलकम टू जेके इंडियन व्लॉग यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम है जयेश कुमार और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक छोटे से एलईडी लैंप के बारे में, जो कि आपके टेबल पर काम हो सकता है, आपके पढ़ाई के अंदर लिए यूज़फुल हो सकता है, टेबल के ऊपर अगर रिपेयरिंग करना चाहते हो उसके लिए यूज़फुल हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर से मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार का ये प्रोडक्ट है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं अकारी कंपनी का ब्रांडिंग के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके अंदर 2000 mAh की बैटरी है, टॉर्च स्विच है, नाइट लाइट आप इसे यूज़ कर सकते हो, इसका भी फंक्शन इसके अंदर है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो AK703S मेरे ख्याल से ये मॉडल है और ये अकारी कंपनी का ब्रांडिंग के साथ, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 hour का बैकअप, यानी कि एक बार फुल चार्ज करने के बाद 6 hour तक ये चलता रहेगा। बाकी सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस बॉक्स को ओपन करके मैं आपको रियल प्रोडक्ट जो है वो कैसा है दिखा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मॉडल नंबर जो है AK703S, और अगर आपको इसे ख़रीदने में इंटरेस्ट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट देखना ज़रूरी है, क्वालिटी वाइज ये कैसा है पूरा वीडियो देखें, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ये ख़रीदने लायक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर से मैंने बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से कर लेते हैं बॉक्स को ओपन। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो तो ये है हमारा प्रोडक्ट। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया एक छोटा सा प्रोडक्ट है बट काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। इसके साथ मिलता है हमें एक USB केबल जो कि देख सकते हो आप यहाँ पर ठीक ठाक क्वालिटी में अच्छी लंबाई के साथ लेंथ के साथ ये मिल जाता है। और फाइनल दोस्तों हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पर अकारी का ब्रांडिंग के साथ यहाँ पर एक ऑन का बटन, एक नाइट का, यहाँ पर मून का, यहाँ पर से एक मार्क, यहाँ पर पीछे अगर बात करें तो यहाँ पर एक DC 5V और यहाँ पर ऑन ऑफ का एक बटन, नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर मॉडल नंबर और ब्रांडिंग लगी हुई है। और बाकी दोस्तों मटेरियल की यहाँ पर बात करें तो प्लास्टिक मटेरियल है लेकिन काफ़ी अच्छा देखने में, फील में काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब इसको मैं इस तरह से ऊपर करके देख लेता हूँ, आप देख सकते हो दोस्तों ये लगभग 1.5 feet जितना ये लंबा है। और इसका LED की बात करें तो यहाँ पर एकदम प्योर वाइट LED, साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे इस तरह से आपके टेबल के ऊपर रह सकता है। और साथ में यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एडजस्ट जो भी आप करना चाहे इस तरह से कर सकते हैं, मूव करना चाहे कर सकते हैं। LED यहाँ पर एकदम आप देख सकते हैं रिंग लाइट की तरह छोटा सा LED, मटेरियल वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अब इसको यहाँ पर से आप देख सकते हैं मोबाइल की अगर रखना चाहते हैं तो मोबाइल का स्टैंड भी आपका यहाँ पर से बन सकता है। चलिए मैं एक बार आपको डेमोंस्ट्रेशन इस तरह से करके दिखाता हूँ किस तरह से रहता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप मोबाइल भी यहाँ पर से आराम से रख सकते हैं। ये ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पर और साइड में एक जो नाइट लैंप का बटन ये भी यहाँ पर से दिया गया है। तो ये बटन दोस्तों जो है वो टच स्क्रीन जैसा है, मतलब एक बटन है आपको सिर्फ यहाँ पर से टच करना है, दबाना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का प्रोडक्ट है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक बार ऑन करके देख लेते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर लेबल अभी लगा हुआ है, चलिए मैं इसे निकाल लेता हूँ और इसे ऑन करके भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से जलता है। तो यहाँ पर एक बार आपको ऑन कर लेना है इसे, और ऑन करने के बाद यहाँ पर LED है जो जैसे आप ऑन ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से ऑन और इस तरह डिम फुल दोस्तों यहाँ पर से करना है। तो 3 यहाँ पर से स्टेप रहते हैं, पहले में थोड़ा सा डिम, दूसरे में और ज़्यादा और तीसरे में फुल। तो यहाँ पर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ लेकिन यहाँ पर कैमरे में जो है वो डिम फुल का आपको फ़र्क नज़र शायद नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप मूव भी कर सकते हो, तो मैं दिखाने के लिए नीचे लिया है, ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर। तो इस तरह से आप 3 बार टैप करेंगे तो फुल ये जलेगा और अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये नाइट लैम्प की तरफ ये चलेगा। तो एक अच्छा प्रोडक्ट है और अगर आपको इसे ख़रीदना है टेबल वर्क के लिए या फिर पढ़ाई के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा यूज़फुल रहेगा। और बाकी दोस्तों अगर बात रही इसकी चार्जिंग की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे जो मैंने पोर्ट दिखाया वहाँ पर आप USB से आराम से चार्ज कर सकते हो। 5V DC यानी कि अपना मोबाइल का चार्जर है उसी से आप कर सकते हो, या फिर जहाँ पर भी USB पोर्ट हो वहाँ पर से आप इसे लगा सकते हो। तो चलिए मैं एक बार आपको इसे चार्ज करके भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से चार्ज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने केबल लगा दिया है, अब आप मोबाइल के चार्जर में इसे
चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं ये वाले पॉट में लगाता हूँ, तो चार्जिंग में जैसे आप इसे लगाओगे यहाँ पर एक रेड लाइट चलेगी, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये दोस्तों फुल चार्ज होने के बाद लगभग 6 घंटे के आसपास आपको एकदम बिल्कुल वाइट यहाँ पर से प्रकाश यानी कि लाइट देगा। तो काफ़ी मुझे ये अच्छा लगा है और शो पीस में भी काफ़ी ये लग सकता है अच्छा, ठीक है। तो आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा और अगर आपके यूज़फुल का ये प्रोडक्ट है तो आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और लगभग 350-400 में ये मुझे प्रोडक्ट मिला है, तो इस प्राइस में ये प्रोडक्ट काफ़ी मुझे अच्छा लगा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।